हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बताऊंगा दोस्तों एक्सर्वेशन फॉर स्ट्रक्चर्स पार्ट फर्स्ट। दोस्तों मिट्टी अब रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में बताया गया है एक्सर्वेशन फॉर स्ट्रक्चर के बारे में, कि हम किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए कैसे एक्सर्वेशन करते हैं वहाँ। अगर अच्छा है वो ब्रिज हो, कलवर्ट हो, रिटेनिंग वाल्स हो या हेड वाल्स हो या पाइप कलवर्ट हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो तो उसके बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्लॉज मूर्त के क्लॉज 304.1 में इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि एक्सकवेशन फॉर स्ट्रक्चर सेल कंसिस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन फॉर ब्रिजेज, कलवर्ट, रिटेनिंग वॉल्स, हेड वॉल्स, कट ऑफ वॉल्स, पाइप कलवर्ट एंड अदर सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज स्पेसिफिकेशंस एंड द लाइन्स एंड डायमेंशन शोन ऑन द ड्राइंग और एज इंडिकेटेड बाई द इंजीनियर। द वर्क शैल इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेसेसरी कॉपर डैम्स एंड क्रीप्स एंड देयर सबसिक्वेंट रिमूवल, ऑल नेसेसरी सीटिंग, श्योरिंग, ब्रेसिंग, ड्रेनिंग एंड पंपिंग, द रिमूवल ऑफ ऑल लॉक्स, स्टम्प्स, ग्रॉप्स एंड अदर डिलिटेरियस मैटर एंड अवस्ट्रक्शन नेसेसरी फॉर प्लेसिंग द फाउंडेशंस, ट्रिमिंग बॉटम्स ऑफ एक्सकवेशंस, बैक फिलिंग एंड क्लियरिंग ऑफ द साइड एंड दी डिस्पोजल ऑफ और सरप्लस मटेरियल। दोस्तों इसमें बोला गया है कि हम किसी भी संरचनाओं के उत्खनन में पुलों, पुलियों या रिटेनिंग दीवारों या हो एड वालों या कट ऑफ दीवारों या पुली पाइप पुलिया हो और अन्य समान संरचनाओं के लिए न्यू के निर्माण के लिए सामग्री को हटाने से युक्त होगा। इसमें जो भी एक्सर्वेशन करेंगे हम ये सब काम उसे युक्त होगा इसमें। और इन विनिर्देशों और आवश्यकताओं के अनुसार लाइनों और आयामों को दिखाया गया है कि इसमें जो भी इसके भी स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइंस और आयाम है इसके जो भी हैं, तो ड्राइंग के अनुसार इंजीनियर्स के द्वारा इसमें जो दिखाया हिसाब से इसका एक्सर्वेशन किया जाएगा दोस्तों। और कार्य में आवश्यक कॉफर डैम, जैसे कहीं पानी भरा रहता है तो उस पानी को रोकने के लिए कॉफर डैम बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल डैम बनाए जाते हैं, टेम्परेरी डैम बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में बताया है कि कार्य में आवश्यक कॉपर डैम और क्रिप का निर्माण उनके बाद के निष्कासन शामिल होंगे। सभी आवश्यक सीटिंग, सोरिंग, ब्रेसिंग और ड्रेनिंग और पंपिंग, सभी मतलब लॉक को हटाने और स्टम्प, ग्राव, अन्य हानिकारक पदार्थ जो भी वहाँ उपस्थित होगा उसको हटाने के लिए और बाधा न्यू रखने के लिए वहाँ फाउंडेशन की को बनाने के लिए जो जो वहाँ बाधा बन रहा है उसको हटाने के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जड़े हो या कुछ भी कोई भी सामान हो, उसको हटाने के लिए वहाँ खुदाई खुदाई जब करके उसको हटाते हैं और उनको ट्रिमिंग करते हैं और साइट से सभी आदि जो भी अधिशेष सामग्री होती है उसको डिस्पोज किया जाता है वहाँ से और वहाँ फिर बैक फिलिंग करके और फिर स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है दोस्तों। तो ये बताया गया है इसमें। इसके बाद आप देखते हैं कि क्लॉज 304.2 में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सर्वेशन। तो इस क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सर्वेशन के बारे में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है क्लॉज 304.1 में, उसमें लिखा हुआ है पूरा डिटेल्स, आप उसमें एक बार फिर से देख सकते हैं। वीडियो मिल जाएगा मेरी इसी में ग्रुप चैनल पे, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा 304.1.2 में। ऑल मटेरियल इन्वॉल्वमेंट एक्सर्वेशन सेल बी क्लासिफाइड इन अकॉर्डिंग विद क्लॉज 304.1.2 में आपको मिल जाएगा इसके बारे में। फिर इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इसमें सिटिंग आउट में कि बोला गया है क्लॉज 304.3.1 में कि आफ्टर द साइट हैज बीन क्लियर्ड रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्लॉज 201 द लिमिट्स ऑफ एक्सर्वेशन शैल बी सेट आउट ट्रू टू लाइंस कर्व्स एंड स्लोप्स टू क्लॉज 301.3.1 के क्लॉज 201 के अनुसार साइट को साफ कर दिए जाने के बाद उत्खनन की सीमाएं, रेखाओं को और वर्गों को ढलानों के अनुसार वहां क्लॉज 301.3.1 पर लागू होगी, जो भी उसमें बोला गया उसके अनुसार इसमें किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे आएंगे क्लॉज 304.3.2 में, उसमें बताया गया कि एक्सर्वेशन जो करेंगे वो किस प्रकार से करना है हमको। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि एक्सर्वेशन शैल बी टेकन टू द विड्थ ऑफ द लोएस्ट स्टेप ऑफ द फुटिंग इंक्लूडिंग एडिशनल विड्थ एज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस, द साइट शैल बी लेफ्ट प्लम्प वेयर द नेचर ऑफ द सॉइल अलाउड इट, वेयर द नेचर ऑफ सॉइल और द डेप्थ ऑफ द ट्रेंच एंड सीजन ऑफ द ईयर डू नॉट परमिट वर्टिकल साइड्स, द कॉन्ट्रेक्टर एट हिज ओन कॉस्ट सेल पुट ऑफ नेसेसरी शोरिंग, स्ट्रेटिंग एंड प्लैंकिंग और कट स्लोप्स टू ए सेफर एंगल और बोथ विथ ड्यू रिगार्ड टू द सेफ्टी ऑफ पर्सनल एंड वर्क्स एंड
टू दी सेटिस्फैक्शन ऑफ द इंजीनियर। तो इसमें बोला गया दोस्तों कि निर्माण कार्य के लिए आवश्यक आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त चौड़ाई और सहित पायदान के सबसे निचले चरण की चौड़ाई पर खुदाई की जाएगी और पक्षों को प्लंप के द्वारा वहाँ मापा जाएगा और छोड़ दिया जाएगा कितना हमको छोड़ना है ताकि हम आसानी से काम कर सकें, कितनी खुदाई करना है हमको एक्स्ट्रा ताकि वहाँ आसानी से वर्क किया जा सके अंदर उसके। और इसके बाद जहाँ मिट्टी की प्रगति से इसे अनुमति दी जाती है कि मिट्टी कैसी है, उसको हटाना है कि रखना है, उसके अनुसार देख के उसको अनुमति दी जाती है। जहाँ मिट्टी की प्रकृति या वर्ष की खाई या वर्षा की खाई हो या मौसम की गहराई हो या उसके वर्टिकल कोई भी पक्ष है वर्टिकल साइड से, तो उनकी अनुमति नहीं देती, मतलब उनकी अनुमति नहीं दी जाती। जहाँ भी खाई होती है या कि पानी भरा होता है तो उस पोर्शन को जो है वो उत्खनन करने की अनुमति जो है इंजीनियर द्वारा लेने के बाद ही उसको करना है और आसानी से किया जाना चाहिए वहाँ। और ठेकेदार अपनी लागत पर आवश्यक शोरिंग एंड स्ट्रेटिंग एंड प्लैंकिंग या कटौती स्लोपों को सुरक्षित कोण या दोनों के संबंध में डाल देगा, मतलब ऐसे काटेगा कि वहाँ किसी भी चीज़ की हानि नहीं होनी चाहिए, सेफली पूर्वक वर्क किया जाएगा और कर्मियों और कार्यों की सुरक्षा और इंजीनियर की संतुष्टि के लिए वहाँ जो भी सेफ्टी बरतनी है वो बरता जाएगा ठेकेदार द्वारा। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं दोस्तों। इसके बाद आप क्लॉज 304.3.2 में नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है द डेप्थ टू विच द एक्सर्वेशन इज टू बी कैरीड आउट शैल बी एज शोन ऑन द ड्राइंग्स अनलेस द टाइप्स ऑफ मटेरियल इनकाउंटर्ड इज सच एज टू रिक्वायर्ड चेंजेस इन विच केस द डेप्थ शैल बी एज बॉर्डर्ड बाय द इंजीनियर प्रोपिंग शैल बी अंडरटेकन व्हेन एनी फाउंडेशन और स्ट्रेसेस जोन फ्रॉम एन एडजेक्टिव एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर इज विद इन ए लाइन ऑफ वन वर्टिकल एंड टू हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द एक्सर्वेशन। तो जिस गहराई तक उत्खनन किया जाना है वह ड्राइंग पर दिखाया जाएगा और जब तक कि उस प्रकार की सामग्री का सामना ना करना पड़े जैसे कि बदलाव की आवश्यकता होती है, उस स्थिति में जैसा कि इंजीनियर द्वारा आदेश दिया गया है कि उत्खनन के निचले भाग से एक वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल रेखा के भीतर किसी भी नींव या तनाव वाले क्षेत्र में आने पर कार्रवाई की जाएगी, तो ये बताया गया है इसमें। इसके बाद नीचे बोला गया कि वेयर ब्लास्टिंग इज टू बी रिसोर्टेड टू द सेम सेल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग विथ क्लॉज 302 एंड ऑल प्रिकॉशंस इंडिकेट देयर इन ऑब्जर्व वेयर ब्लास्टिंग इज लाइकली टू। इसमें कहा गया कि जहाँ ब्लास्टिंग का सहारा लिया जाना वही क्लॉज 302 के अनुसार किया जाएगा वो, क्योंकि हम क्लॉज 302 में पढ़ चुके हैं ब्लास्टिंग के बारे में, तो आप उसमें देख सकते हो उसके बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके आगे दोस्तों और भी जो इसमें बताया गया है एक्सर्वेशन फॉर स्ट्रक्चर्स वर्क के बारे में वो हम अगले वीडियो में देखते हैं पार्ट 2 में उसके बारे में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।